जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। थैंक्स मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा और CAPF बाय से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ASI स्टेनो की कट ऑफ के बारे में, या जो भी बच्चों ने, जो शरारती तत्वों ने जो पोल पर क्लिक किया है उन बच्चों के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि भैया ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ही मतलब गलत बात की है बच्चों ने, क्योंकि उन्होंने, मैंने अभी एक्चुअली दोस्तों एक पोल लगाया था, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल में एक ASI स्टेनो की 2023 में वैकेंसी निकली थी, और वहां पर उनका जो वैकेंसी जो निकली थी उसके बाद उनका फिजिकल कराया गया, देन फिजिकल के बाद उनका टेस्ट कराया गया, और टेस्ट के बाद फिर उनका रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद दोस्तों स्किल टेस्ट उनका कराया गया पहले। तो स्किल टेस्ट के बाद लगभग मतलब जो कैंडिडेट लिए थे, जो रिजल्ट आया था आपका, वो 800 कैंडिडेट मतलब लिए गए थे, मतलब 40 तो वैकेंसी थी और 40 का जो 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे मतलब स्किल टेस्ट के लिए दोस्तों बुलाया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देखने में आ रहा है कि जो स्किल टेस्ट में बहुत बच्चे का मतलब पास हो रहे थे और काफी ज्यादा बच्चे फेल हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सुनने में आ रहा है कि 140 to 150 बच्चे ही एग्जाम को पास कर पाए हैं, मतलब जो स्किल टेस्ट जो क्वालिफाई हुए हैं वो इतने ही क्वालिफाई हो पाए हैं 800 बच्चों में से। लेकिन दोस्तों मैंने फिर एक पोल डाला कि भाई सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर एक पोल डालिए कि कितना कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना रह सकती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक पोल डाला, पोल में दोस्तों यहाँ पर देखा मैंने कि 554 बच्चों ने वोटिंग कर रखा है। तो आप देखिए आप कि कैसे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना इसको, क्योंकि सभी बच्चे इसको देख सके और ऐसी शरारत बार बार ना करें। ठीक है, इससे दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं ये तो बहुत ही छोटा, मेरा तो मतलब बहुत छोटा चैनल है, लेकिन बड़े बड़े चैनलों पर भी वो ऐसे करते होंगे तो दोस्तों कहाँ एक्सपेक्टेशन आपकी हो जाती होंगी कि कट ऑफ इतनी आ सकती है। तो दोस्तों हम एनालिसिस निकालने के लिए इन चीजों को करते हैं, और यहाँ पर क्या है, कुछ ये शरारती जो तत्व होते हैं यहाँ पर क्लिक करके वो वोटिंग को बढ़ा देते हैं, बेफालतू के अपने मार्क्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है दोस्तों, आप बेशक से बुरा मानो या मत मानो, बट जो ये है जो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भैया मैं अगर इसमें सिलेक्टेड हूं, मतलब मेरा स्किल टेस्ट पास हो गया, तो भाई क्लिक करो, सीधी सी बात है, और नहीं है तो मत करो क्लिक, सिंपल सी बात है। मैंने एक्चुअली लिख भी रखा था उस पर, मैंने ये भी लिख रखा था कि दोस्तों अगर किसी का स्किल टेस्ट स्टेनो में पास हुआ है तभी इस पर वोटिंग पर क्लिक करें, जितने आपके मार्क्स हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने मार्क्स का रिव्यू भी दे रखा था कि भैया जिसके 60 से 70 मार्क्स है वो कितने कैंडिडेट है, 70 से 75 वो कितने बंदे हैं, 75 से 80 कितने हैं, 80 से 85 कितने हैं, और 85+ कितने वाले बंदे हैं। लेकिन यहाँ पर 554 वोटिंग में आई और 554 वेटिंग, अब यहाँ पर देख लीजिए कितना डिफरेंस, दोस्तों देखो कितना डिफरेंस आ गया, लगभग बता रहे हैं बच्चे की लगभग 140 से 150 के आसपास बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, मान लिया, अब यहाँ पे 554 कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप खुद बताओ। बस जो भी SSB स्टेनो में स्किल टेस्ट पास करके आए हैं भाई, आप खुद बताओ कि भैया क्या ये सही है, क्योंकि ये बच्चे आगे भी फिर ऐसे जो शरारती चीजों को करेंगे और फिर आगे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं निकल पाती है। तो प्लीज यार दोस्तों ऐसा मत करो यार। ठीक है, फिर मैं दोबारा से, अब दोस्तों सोचता हूँ कि दोबारा से एक फिर से पोल लगाऊं और फिर अपना जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है आपका फिर से मैं बता पाऊं कि भाई कितना रह सकेगा। ठीक है, इससे तो कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इससे कंफर्मेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भाई 11% तो यहीं पे हो गया, 85+, भाई 554 है, 554 का 10% 55 तो ये हो गया, तो क्या है 85+ ही बच्चे, 85+ वाले बच्चों का ही वो होगा क्या। ठीक है, इन चीजों पर फिर तो थोड़ा सा मुझे मतलब वो लगा, इसलिए मैंने दोस्तों ये वीडियो लाया, बाकी शाम को लाइव में भी मैं एक बार बात करने वाला हूँ। ठीक है, जिन्हें भी ये क्लिक किया है जो भी है, ठीक है, तो भाई ये दोस्तों गलत बात है, और जिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे सभी को पता लग सके भैया ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, कुछ बच्चे क्या होते हैं कैसे कई बार गलती से कर देते हैं। ठीक है, वो ये गलती फिर से ना दोहराएं। ठीक है, एक बार फिर से मैं एक पोल आपके सामने लाने वाला हूँ और ASI स्टेनो से रिलेटेड ही लाने वाला हूँ, और शायद इस पोल को मैं डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और भैया जिसके जेन्युइन मार्क्स हैं बस, जितना जेन्युइन आपका मार्क्स है वही शेयर करें, और जिसका स्किल टेस्ट हो गया है वही शेयर करें। ठीक
ठीक है दोस्तों, फिर पोल मैं लेकर आऊंगा और मैं अपने टेलीग्राम चैनल, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है @CAPF/SAVE, ठीक है, जो पोल मैं निकालूंगा उसको यहां पर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, वही कैंडिडेट यहां पर क्लिक करें भाई जिसका स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो गया है, प्लीज दोस्तों। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं कि भैया कितना कट ऑफ आपका जो है जा सकता है ASI स्टेप होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को थोड़ा लाइक करें दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से ही हम हैं, आपके सपोर्ट से ही मैं आगे जो भी है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहूंगा और सारी चीजें जो भी है वो मैं टाइम टू टाइम जैसे जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।